हेलो एवरीवन, आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडेन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखने के लिए हम लोग कुछ रूल्स सबसे पहले याद रखना होगा। We have to consider the longest carbon chain। ठीक है, जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ही हम लोग नंबरिंग में के लिए यूज करेंगे। सेकेंड जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड गेट प्रेफरेंस ओवर हैलोजन एंड हैलोजन गेट प्रेफरेंस ओवर एनी एल्काइल ग्रुप और एनी एडाइल ग्रुप। ठीक है, जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तब हम लोग डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, उससे कम प्रेफरेंस किसको मिलता है, हैलोजन को, और हैलोजन से भी कम प्रेफरेंस दिया जाता है एल्काइल ग्रुप को नंबरिंग के लिए। थर्ड जो है, अगर सिमिलर, अगर डिफरेंट हैलोजन ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द आइडेंटिकल और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम डिफरेंट चेन, ठीक है, देन वी हैव टू गिव वी नीड टू गिव प्रेफरेंस। हम लोग किसको प्रेफरेंस दे रहा है, और वी नीड टू गिव प्रेफरेंस टू दैट हैलोजन व्हिच कम्स बिफोर व्हिच कम्स फॉरवर्ड इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही हम लोग क्या करना है, इसको प्रेफरेंस देना है अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, अगर डिफरेंट हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसको समझना। सपोज अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं CH3Cl, तो इस जैसे कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम लोग ये फॉर्मेट को यूज करेंगे, हेलो एल्केन्स वाला। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स, या फिर हेलो कौन सा है, सीएल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, CH2Cl। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इसको लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड सीएल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सिमिलरली देखो सीएल जुड़ा हुआ है इसीलिए 1-chloroethane होगा और सिंपली क्लोरोइथेन। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि टू एडजेसेंट पोजीशन पे या तो टू डिफरेंट पोजीशन पे दोनों सीएल प्रेजेंट है, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, 1,2। देखो 1 नंबर पोजीशन पे सीएल है, 2 नंबर पोजीशन पे सीएल है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, अगर ऐसा है कि CH2 है सिंगल बॉन्ड, CH2 है यहां पे सीएल है यहां पे बीआर है, तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, वी नीड टू गिव प्रेफरेंस टू दैट हैलोजन व्हिच कम्स फॉरवर्ड इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आता है इसीलिए हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, बी से। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 1-bromo 2-chloro
ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड BR, सपोज इसका अगर हम लोगों को नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा देना है हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन होगा, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, थ्री पोजिशन पे देखो बी ब्रोमो है, ठीक है, थ्री ब्रोमो प्रो वन ई और थ्री ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा होता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा है और इसके साथ अगर CL जुड़ा हुआ है तो इस इधर हम लोग कोई भी साइड से इसका नंबरिंग कर सकते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, टू क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ रहता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पे सीएल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देना पड़ता है, तो इसका नाम क्या होगा, थ्री क्लोरो ब्यूटेन और ब्यूट मी दी प्रॉप ब्यूट ब्यूट वन एन, ठीक है। सपोज अगर ऐसा दिया हुआ रहता है यहाँ पे सीए, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम रूल की यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसको हम लोगों को प्रेफरेंस देना है, तो इसीलिए हम लोगों को नंबरिंग ऐसे करना है, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, थ्री पोजीशन पे देखो बी आर है और टू पोजीशन पे सी एच थ्री है, इसीलिए थ्री को थ्री में क्या है ब्रोमो है, टू में क्या है मिथाइल है, ठीक है। अब इसका क्या है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना प्रेजेंट है, ये वाला रूप में देखो तीन है, इसीलिए प्रॉप वन इन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका नाम लिखेंगे। अगर ऐसा होता है सपोज ऐसा एक कंपाउंड दिया हुआ है सीएल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि हैलोजन को हम लोग को ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ता है थ्री कॉमा थ्री डाई मिथाइल, उसके बाद मीन इज प्रॉप ब्यूट ब्यूट एन, ठीक है, शायद समझ गए। अब अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को कंसीडर करते हैं, सपोज ये वाला कंपाउंड, ठीक है, तो इसका नाम क्या लेना है, कैसे लिखना है, हैलोजन कैसे लिखना है, आईयूपीएसी के अनुसार इसका नाम क्या होगा, क्लोरो बेंजीन, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। अगर बच्चों ऐसा हम लोग लेते हैं वन पोजीशन पे सीएल है और यहां पे भी सीएल है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, देखो वन टू थ्री फोर, तो यहां पे वन कॉमा फोर डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, वन कॉमा फोर डाइक्लोरो बेंजीन इसका नाम होगा। अगर ऐसा है कि यहां पे CH3 है यहां पे BR है, तो देखो फिर से हम लोग क्या जानते हैं कि हैलोजन का जो है प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है, इसीलिए वन ब्रोमो टू मिथाइल बेंजीन हो जाएगा इसका नाम, वन ब्रोमो टू मिथाइल, एक ही लाइन में लिखना ही अच्छा है, ठीक है।
अगर ऐसा है, ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे सपोज सीएल है, यहाँ पे सपोज बीआर है, इसका नंबर हम लोग ऊपर से नहीं करेंगे नीचे से करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में बीआर पहले आता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, वन ब्रोमो फोर क्लोरो बेंजीन, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर ऐसा होता है, बेंजीन रिंग जो है वो ऐसे जुड़ा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इस जैसे कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको जो साइड चेन है उसको मेन कार्बन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, तब देखो वन क्लोरो, अब देखो वन फिनाइल, वन पोजिशन पे ये बेंजीन रिंग वाला C6H5 ग्रुप है, इसलिए वन फिनाइल मिथेन, ठीक है। और सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, क्लोरो फिनाइल मिथेन, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि ये बेंजीन रिंग के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अगर ऐसा जुड़ा हुआ, तो मैं बोल चुका हूं कि ये जो है हैलोजन पर हम लोग रेफरेंस दे रहा है 1 2, तो इसीलिए क्या होगा, 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही आप लोग सारे जो मैंने आज करवाया है ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी अगर कोई भी जगह में आप लोगों का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।